एक्चुअली वो तीन चार हैकर्स थे, तो मैंने उनको उनको हैक किया, रात को हैकर्स को मैंने हैक किया। मेरा नंबर में तुम साइबर क्राइम क्यों लिख के रखे हैं भाई? सर तेरे आपको कैसे पता चला? हमको सब पता चलता है, तुमको उल्लू बना रहा था भाई। नहीं 100 इसको कैसे पता चलता है? पता है कि बेटा कैसे पता चलता है इसको? हां मैं इसका मतलब है कि तू जियो से नहीं बोलता है ना? सब बोलो अभी आप ई वेरिफिकेशन नहीं करते सिम बंद हो जाएगा तो आपका होगा कि मेरा होगा पहले ही बताइए। नहीं सर मैं मेरा होगा। तो आप पहले स्पीकर ऑन कीजिए सर, स्पीकर ऑन कीजिए सर। क्या हो रहा क्या? स्पीकर ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए। स्पीकर कर दिया सर, हो गया। हाँ और अपना बीच वाला बटन दबा के बैक आ जाइए, सबसे नीचे तीन बटन दिया एक लेफ्ट एक राइट एक बीच में। आ गया सर। हाँ बीच वाला बटन दबा के बैक आ जाइए। आ गया। और अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ऐप ओपन कीजिए, प्ले स्टोर जानते ना जो गेम हम डाउनलोड करते हैं। बाबा बेटा बताना। हाँ बाबा हो गया। आप अपना बेटा को कॉल दीजिए, बेटा को कॉल दीजिए। बेटा बेटा हेलो। हाँ प्ले स्टोर ओपन हुआ सर? हाँ जी सर हो गया। हाँ वहाँ पे सर्च करेंगे KYC क्यूक सपोर्ट। KYC क्यूक सपोर्ट, QUIC K। हाँ ठीक है सर, क्यू सपोर्ट। ठीक है सर, क्विक सपोर्ट मिल गया। सर्च करने के बाद कौन सा ऐप आया? सर आया टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, उसी से आपको एक्टिवेट किया जाएगा। और एक ही आदमी बात करेंगे सर, आप बात कीजिए, आपका मामा बात करेगा क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड होता है, ठीक है? इसलिए मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था, ठीक है? ओके सर। ओके सर, वो आपका मामा है ना? हाँ जी जी। अभी कितना परसेंट डाउनलोड हुआ सर? अभी हो रहा है, अभी 15% हो गया सर। ये फोन कौन सा है? फोन सर वीवो का है। कितना हो गया सर? हो गया डाउनलोड। सर मैं एक जानकारी जान सकता हूँ आपका एज कितना हो रहा है आपका एज? सर मेरा हा? सर मैं 14 साल का। जी। हो गया डाउनलोड। ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया सर। ओपन करने के बाद अभी क्या आ रहा है सर? आई एक्सेप्ट द EULA। एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर कर दिया। हाँ उसके बाद दो तीन बार राइट से लेफ्ट कीजिए उंगली से, वहाँ पे डन आएगा या सेटिंग आएगा। सर डन। राइट से लेफ्ट कीजिए। सर डन आ गया। हाँ डन में क्लिक करने के बाद अभी क्या आ रहा है? सर परमिशन मांग रहा है। अलाउ कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए। अलाउ हुआ? हो गया सर हो गया। और एक बार बैक कीजिए, अभी क्या आ रहा है सर? अभी ऑप्शन क्या आ रहा है सर? ऑप्शन बताएंगे। अच्छा सर ऑप्शन, सर वो अलाउ कर दिया, अभी वो आगे नाम वगैरह वो अकाउंट सा बना हुआ है। एक बार बैक कीजिए। हाँ सर कर दिया। अभी क्या आ रहा है सर? सर अभी पूरा बैक किया, अब वापस खोलूं उसे? हाँ। सर खोल दिया, यहाँ पे दिखा रहा है हाउ टू कनेक्ट टू दिस डिवाइस। नंबर क्या आ रहा है? योर आईडी कंप्लेन आईडी नंबर क्या रहा? 1314 9। हाँ 558। हाँ 581। अभी अलाउ आएगा, अलाउ करके स्टार्ट नो करना है। देखो अभी अलाउ मिला, अलाउ कीजिए। हाँ सर अलाउ कर दिया। फिर स्टार्ट नाउ। सर अब नहीं आ रहा, स्टॉप नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या आ रहा है सर? अनेबल और कैंसिल। कैंसिल कीजिए, कैंसिल करके स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नो हुआ सर? अपने आप ही स्टार्ट हो गया, ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी
अभी क्या बता रहा है सर? अभी घूम रहा है। अभी सर देखो, जैसे अलाउ करते हैं ना, अलाउ करने के बाद तुरंत कैंसिल करना, फिर स्टार्ट ना, पहले अलाउ कीजिए। अलाउ किए? यस सर, कर दिया। हाँ अभी स्टार्ट ना हो? स्टार्ट ना हो कर दिया सर। बीच वाला बटन दबा के बैक आ जाए, बीच वाला बटन दबा के बैक आ जाइए। हाँ सर, बैक आ गए। हाँ, और अपना मैसेज बॉक्स ओपन कीजिए, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स हाँ ओपन हुआ, जो टेक्स्ट मैसेज है ना सर, वो ओपन किए? हाँ सर, कर दिया ओपन। आपको जियो से जो डॉक्यूमेंट डियर कस्टमर करके मिला था, वो क्या मिला था? नीचे में देखो, होगा नीचे में। सर मैसेज नीचे तो कोई ऐसे ही मैसेज लिखा हुआ। एक बार यहाँ से बैक आ जाइए। अब जियो ऐप ओपन कीजिए, जियो ऐप। जियो ऐप है ना मोबाइल में, चेक कीजिए। हाँ सर, खोल दिया जी। जियो ऐप ओपन होने के बाद अभी चेक कीजिए, ऊपर कोने साइड तीन लाइन बना हुआ होगा, थ्री लाइन बना हुआ है। हाँ जी सर। हाँ, उसमें देखो हाई करके, हेलो, आप मेरा नंबर में सेव क्या क्या कर रखे रखे हैं सर? क्या सेव करके रखे मेरा नंबर में? सर सेव नहीं किया। क्या सेव करके नाम में रखे हैं सर? सर सेव किया ही नहीं अभी। अभी जी ऐप ओपन कीजिए और कॉल को अभी रिसीव क्यों नहीं कर रहे? कॉल को सर वो उठ ही नहीं रहा था, कुछ थोड़ा हैंग सा हो गया था। हाँ जी सर, थ्री लाइन में क्लिक कीजिए, थ्री लाइन में क्लिक कीजिए। कर दिया सर। अभी सबसे ऊपर में क्या रहा? सबसे ऊपर में सर जियो UPI, उसका ऊपर सर जियो फाइबर। आप पहले नेम में क्लिक कीजिए, हाई नेम में क्लिक कीजिए। हाँ सर, दबाया। हाँ, उसमें दबाने के बाद अभी क्या बता रहा है? पे बिल में क्लिक कीजिए। हाँ जी सर जी, पे बिल में क्लिक करने के बाद अभी नीचे पे ना हुआ है? पे ना हो नीचे। हाँ जी सर, आया रहा। पे ना हो कीजिए। हाँ सर, दबा दिया। मतलब इसको ई केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको ₹4 खुद से पहले रिचार्ज करना है, तभी आपका डॉक्यूमेंट एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है? ओके सर जी जी, आप रिचार्ज जिससे करना चाहते हो उसमें क्लिक करेंगे, आपको ऐड करके रिचार्ज करना है, नेम ऑन द कार्ड आएगा, वहाँ पे जियो केवाईसी अपना नाम डालना है, जिसमें वहाँ पे ऑप्शन आया होगा एड न्यू क्रेडिट कार्ड डेबिट ATM कार्ड और नेट बैंकिंग लिखा है सर। यस सर। हाँ, तो आप रिचार्ज जिससे करेंगे उसमें क्लिक कीजिए पहले सर, मैं बता रहा हूँ। ओके सर। क्लिक किए? मतलब आप किससे कर रहे हैं रिचार्ज, किससे कर रहे हैं? हेलो सर, सर आप आवाज देंगे सर? आपको नेम ऑफ कार्ड में अपना नाम लिख के रिचार्ज करना है सर। ठीक है सर, ठीक है। आप किससे रिचार्ज करेंगे? आप अपना मामा को कॉल कीजिए। पेटीएम से जी? पेटीएम चलेगा सर? पेटीएम से सिस्टम, उसमें नाम डालने का नहीं देता है सर, आपको ऐड करके करना है, नेम ऑन द कार्ड आएगा, वहाँ पे जियो केवाईसी अपना नाम डालना है, वहाँ पे चेक कीजिए ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड डेबिट ATM कार्ड। यस सर, यस सर, आ रहा है सर। आप जिससे करना चाहते हो उसमें क्लिक कीजिए, आप नेट बैंकिंग में तो उससे और बेटर होगा, नीचे नेट बैंकिंग आया होगा। ठीक है सर। मैं, हेलो, आपका पास सब है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर मैं सर अभी नहीं, मैं इसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मैं सर इसका फ़ोन नहीं काट रहा है सर, फोन बहुत देखो ना,
इसका सिम नहीं बंद होना, इसके बेटे का फोन आता है बाहर से, तो इसका काटना, सिम नहीं काटना है, मैं आपको 10 रुपये डालता है अभी। मेरा नंबर में तुम साइबर क्राइम क्यों लिख के रखे हैं सर? तेरे आपको कैसे पता चला? हमको सब पता चलता है। कैसे, आपको कैसे पता चल जाता है? और जो हंगला बढ़ रहा है सब हमको यहीं से पता चल गया। आपको कैसे पता चलता है? मेरा फोन तो मेरे पास है। वो सब पता उल्लू बना रहा था बे। नहीं, 100 इसको कैसे पता चलता है? पता कि बेटा कैसे पता चलता इसको? मैं, इसका मतलब है कि तू जियो से नहीं बोलता है? मैं जियो कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। उल्लू हमको क्यों बना रहा है सर? आप बोल रहे रिचार्ज नहीं करते, वो नहीं करते, आप क्यों बोल रहे हैं सर? अभी कैसे करना बताओ सर। मेरा फोन नहीं कटना चाहिए, क्या करें? आप अपना क्यूक सपोर्ट ओपन कीजिए, जो डाउनलोड कितना क्यूक सपोर्ट ओपन कीजिए। और मैंने कहा मेरे बेटा पैसे भेज रहा है मेरे को, महीने का 5 लाख 10 लाख भेज रहा है, और मेरे हैं, मैं आप मेरा सिम बंद नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने बोला आपके पास कोई एटीएम कार्ड? मैंने बोला है, पर मेरे को चलाना नहीं आता। मेरा बेटा है, वो सुबह 12:20 पे घर पे आएगा। मैंने प्लानिंग बनाई क्योंकि मीडिया को मैंने टाइम दिया 12:20 का ही दिया था। अच्छा, तभी उन्होंने आपको 12:20 पर कॉल किया? पूरे 12:20 के हैकर्स की कॉल आ गई। हरजीत सिंह, जिनके साथ कुछ दिन पहले ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, और ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद अभी जो कुछ देर पहले आपने ये पूरे विजुअल्स देखे, रिकॉर्डिंग देखी, उसमें जो हैकर है उसके साथ हरजीत सिंह बात कर रहे हैं, और वो किस तरीके से हैक, मतलब किस तरीके से फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपने देखा कि किस तरीके से एक ऐप को खोलने की बात की गई, कहा गया कि क्विक शेयर नाम की एक ऐप है, उसको खोलिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। उसके बाद जाकर जो है हरजीत सिंह जी ने, मतलब एक बहुत ही दिलेरी का काम किया है। कहीं ना कहीं जो काम साइबर सेल कहा है, वो काम अब जम्मू कश्मीर की जनता खुद अपने बलबूते पर कर रही है। मेरे साथ इस समय हरजीत सिंह है, इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताएं कि किस समय आपने सोचा कि इस तरीके से आपने प्लानिंग की, कि इस तरीके से बात करनी चाहिए हैकर के साथ? आपकी लास्ट बात जो है वो कब हुई थी? मेरे को रात को दोबारा मैसेज आया, दोबारा रात को, कि आपकी जो सिम है डो डीएक्टिवेट होने वाली है, अपनी KYC अपडेट कीजिए। उसी हैकर का, मेरे ख्याल वो टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। मेरे ख्याल वो मैसेज पूरे जम्मू में सभी फ़ोन पे जा रहा है। मेरे को आया, मैंने फिर प्लानिंग बनाई, मैंने दोबारा कॉल की उस हैकर को, और मैंने 25 मिनट तक उससे, जुनेद नाम के आदमी से, मेरी उम्र 75 साल, मैंने शो की मेरी उम्र 75 साल है, मैंने उसको 20-25 मिनट तक मैंने हैकर से बात की, वो मैंने रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, और मैंने एक्चुअली उनका माइंड रीड करने की कोशिश की, एक्चुअली वो किस तरह के बंदे हैं, कैसे हैं। और जब मैंने उनका माइंड रीड किया, मुझे पता लगा कि वो एक राक्षस टाइप के बंदे हैं। अच्छा, जब आपने रात को उनके साथ बातचीत की, तो उसके बाद फिर सुबह आपने कॉल की उनको, कोई बातचीत हुई थी रात में? उन्होंने आपसे कहा था कि वो आपको कॉल करेंगे, या आपने कहा? मैंने अपनी आवाज़ को चेंज किया सैयद जुनेद बन के, मैंने अपनी फ़ोटो जो होती है, लोगो वगैरह, वो मैंने एक सैयद जुनेद ऐसे कोई मुस्लिम आदमी की लगाई, सैयद जुनेद लिखा, क्योंकि उनको शक ना हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे उन्होंने क्लिक किया होगा, मैंने फ़ोटो वो लगाई। फिर मैंने उनसे सैयद जुनेद बन के 20-25 मिनट पूरी बात की, और वो मेरी बात से इंप्रेस हो गए। मैंने बोला कि मेरे खाते में 70 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो मेरा फ़ोन बंद नहीं, मेरा बेटा बाहर है, मैं घर में अकेला हूँ, बुजुर्ग हूँ, तो मैंने वैसे रुक रुक के बोला था, जब भी मैं जैसे पहले ही बोल रहा था, तो मैंने वो तीन चार हैकर्स थे, तो मैंने उनको हैक किया रात को, हैकर्स को मैंने हैक किया, और मैंने कहा मेरे बेटा पैसे भेज रहा है मेरे को, महीने का 5 लाख 10 लाख भेज रहा है, और मेरे हैं, मैं आप मेरा सिम बंद नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने बोला आपके पास कोई एटीएम कार्ड? मैंने बोला है, पर मेरे को चलाना नहीं आता। मेरा बेटा है, वो सुबह 12:20 पे घर पे आएगा। मैंने प्लानिंग बनाई क्योंकि मीडिया को मैंने टाइम दिया 12:20 का ही दिया था। अच्छा, तभी उन्होंने आपको 12:20 पर कॉल किया? पूरे 12:20 के हैकर्स की कॉल आ गई, और आपने लाइव देखा किस तरह से उन्होंने मेरी मोबाइल स्क्रीन को हैक करके, उसकी मिररिंग है वो केरला में जहां बैठे हैं, हैक कर रहे हैं, वहां पे चली गई। अब मैं जनता को अलर्ट करना चाहता हूं, अगर कोई भी मैसेज आ रहा है आपको, उस पर ये कहा जा रहा है कि आपका KYC अपडेट नहीं है, हम जियो से बोल रहे हैं, कहीं से भी बोल रहे हैं, तो कभी भी उनको कॉल मत कीजिए, और कभी भी कोई भी चीज़ डाउनलोड मत कीजिए। आपकी स्क्रीन विदाउट शेयरिंग द OTP आपके पैसे आपके खाते से कट जाएंगे। बी अलर्ट, हाई अलर्ट। मुझे बताएं, साइबर सेल आप गए थे वहां सर, वहां से कोई, हरजीत जी मुझे बताएं, आप साइबर सेल आपने कंप्लेन करवाई थी, वहां से कोई रिस्पांस आया? 24 घंटे तो हो चुके हैं। देखो, वहां से कोई रिस्पांस फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि मुझे काफी कॉलें आ रही हैं बड़े लोगों की
अभी तक उनके पैसे किसी के वापस नहीं मिले हैं। साइबर सेल वाले भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक्चुअली यहाँ पे साइबर सेल बड़ा स्ट्रांग चाहिए, जैसे बाहर है हमारा साइबर सेल वीक है। वो जो हैकर्स हैं साइबर वालों से 10 गुना ज्यादा दिमाग उनका घूम रहा है। अच्छा, तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं साइबर सेल में वो उनको पकड़ नहीं सकते हैं, वो कि वो जो मास्टरमाइंड ज्यादा हैं, समझ लो वो उनका दिमाग यहाँ से वहाँ से वो इनको चला रहे हैं। वो हैक वाले रोज लोग लुटे जा रहे हैं रोज। कभी कभी शायद जम्मू कश्मीर में 28% इंक्रीज जो है वो साइबर क्राइम में हुआ है 2019 से 2020 क्या तक। इस 10 दिनों में इतने केस बढ़ चुके हैं, उन्होंने एक नई प्लानिंग निकाली है, आपकी स्क्रीन की मिररिंग वहां चली जाएगी। तभी उनको रिकॉर्डिंग में भी आप सबने सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आपने किस नाम से हमारा जो नाम है वो सेव किया, उनका जो मैंने नाम है ना मैंने हैकर लिख दिया, उन्होंने वहीं से पकड़ लिया। ये क्या हो गया? एक्चुअली काले बड़ी आ रही थी, मैंने उनका नाम कोई डालना तो मुझे गलती होगी, अगली बार मैं किसी नए मोबाइल से उनका नया नाम डालूंगा। अच्छा जी, आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो काम साइबर सेल वालों का है वो आम जनता को आप खुद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि साइबर सेल इतना स्ट्रांग नहीं है जम्मू कश्मीर का, जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको पे उनको क्या लेना देना किसी के पैसे गए नहीं गए, हम जिसके गए हैं वो कुछ तो कुछ ना कुछ तो। मेरा तो 2 लाख गया है, जब मुझे कश्मीर से फोन आया 88 लाख, 28 लाख, 50 लाख। लोगों की भी गलती मानते हैं कि वो बहुत जल्दी ऐसे मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड करते नहीं, लोगों की गलती है, एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। कोई भी ठगा जाएगा, देखो अवेयरनेस नहीं है, कोई फोन कर रहा है, एक्चुअली बैंक वाले बोलते हैं कि OTP शेयर नहीं करना है, अब तो विदाउट शेयरिंग द OTP पैसे जा रहे हैं। अच्छा। लोगों को पता नहीं, अब अवेयरनेस मुहिम हमें छेड़नी पड़ रही है मीडिया के थ्रू, यानी कि OTP शेयर किए, आपने OTP शेयर नहीं किया तब भी आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे, खास करके साइबर सेल में बैठे वो बड़े बड़े लोग। मैं तो मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं करना है, मैं तो मीडिया वालों से बोलना चाहता हूं कि आप ही कुछ कीजिए, आप अवेयरनेस मुहिम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चैनल मीडिया आजकल लोगों के सोशल मीडिया सभी देखते हैं, जब लोगों के मोबाइल पे ऐसे मैसेज जाएंगे ये हमें कुछ करना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं लोग जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे। जनता से ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे लोग अलर्ट होंगे, वो देखेंगे ऐसे फ्रॉड हो रहा है, आप दूसरे बहन भाइयों को बचा सकते हैं उनकी मेहनत की कमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि साइबर सेल का काम जो है अब जम्मू कश्मीर की आम जनता को करना पड़ रहा है, उनकी जेब से पैसे भी जा रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाने जब साइबर सेल जाते हैं तो आगे से कुछ खास रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर की आम जनता को खुद ही अपने बलबूते पर खुद ही पता लगाना है कि पैसे भी हमारे ही जा रहे हैं, हैकर कौन है, उनसे बात भी वही करनी है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि एक आम आदमी ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, आखिरकार कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, जनता इस टाइम पे साइबर क्राइम से इतनी परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए एक अवेयरनेस एक मुहिम जो है वो चलाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि किस किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। और पुलिस विभाग से भी गुजारिश यही की जा सकती है कि आप भी थोड़ा सतर्क रहिए, जनता परेशान है और एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद तो जनता छोड़ ही चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद उनके दिल में है कि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा सतर्क जो है, थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जरूर बिहेव कर सकती है।